नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश समीक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपसे केंद्र सरकार के द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। इसका मतलब यह है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 की मुख्य बातें। नई शिक्षा नीति में पांचवी क्लास तक मातृभाषा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। नई शिक्षा नीति साल 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अभी स्कूल से दूर हो रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। स्कूल पाठ्यक्रम में 10-2 ढांचे की जगह 5-3-3-4 यानी 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रमशः 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को भी स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों का माध्यम बनाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में सब चीजों की जानकारी होगी। नई प्रणाली में प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनवाड़ी होगी। इसके तहत छात्रों की शुरुआती स्टेज की पढ़ाई के लिए 3 साल की प्री प्राइमरी और पहली दूसरी को रखा गया है। अगले स्टेज में 3-4 और 5 क्लास को रखा गया है। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी 6-8 कक्षा के सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। सभी छात्र केवल 3-5 और 8 कक्षा में परीक्षा देंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा पहले की तरह जारी रहेगी, लेकिन बच्चों के समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख के नाम से, यानी समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन आकलन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच खास अंतर नहीं किया जाएगा। यानी इस बार नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3-18 वर्ष आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करना है। 6ठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6ठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश कोई आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी।
इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई किसी कारण से बीच में छूट जाती हो। नई शिक्षा नीति में छात्रों को ये आज़ादी भी होगी कि अगर वो किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में दाखिला लेना चाहते हों तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकते हैं और दूसरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा। जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे, लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल में MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। मेडिकल और लीगल के अलावा पूरी उच्च शिक्षा को एक दायरे में लाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होगा। सरकारी और निजी सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं पर एक ही तरह के नियम और मानक लागू होंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा होगी जिससे छात्रों का समय और धन दोनों बचेगा। इसके अलावा अध्यापन के मानदंड बदलेंगे तथा और भी अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए जाएंगे जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।